दीदी, कालम डाउन। प्रिया, इट्स लिसन एंड कालम ही काम होता है। बट दीदी, आई कैन नो इंग्लिश वेरी वेल एंड आई कैन राइट एसे ऑल्सो। नाउ गिव मी अ कॉम, टुडे आई हैव टू गो अर्ली। प्रिया, इट्स कॉम और अर्ली नहीं अर्ली होता है। Although you may be good in English, but your pronunciation is damn incorrect. अब तुम damn को damn मत बोलने लगना। दीदी, you often speak very harsh. You can't you be a little softened? फिर प्रिया, often नहीं often और softened नहीं softened. And my dear sister, I'm not harsh at all. I just want to correct you. अब मेरे पीछे बोलो। K-N I F E, knife, knife. P A L M, palm, palm. W R A P, wrap, wrap. B U R S T, burst, burst. चलो हम बात करते हैं एक जैसे साउंड वाले उन वर्ड्स की जिन्हें बोलने में हम अक्सर गलतियां करते हैं। हम अक्सर सा शा की गलतियां करते हैं। जैसे हम अक्सर बोलते हैं सी, वास, सीट, सेयर, स्योर, स्वारी। सी बोलने से क्या ये समझ में आ रहा है कि मैं एस डबल ई सी देखना की बात कर रही हूँ, S E A C समुद्र की बात कर रही हूँ? नहीं, बल्कि मैं तो S H E C यानी वह की बात कर रही हूँ। देखा आपने, सिर्फ सा और शा की गलती से शब्दों के अर्थ में कितना अंतर आ गया। इसी तरह सीट बोलने से हमारा ध्यान बैठने वाली सीट पर जाता है, पर हम बोलना तो S H E E D शीट चाह रहे थे। इसी तरह S H I N E शाइन को हम साइन बोल देते हैं, जबकि S I G N साइन का अर्थ चिन्ह या निशान होता है। देखा आपने कैसे गलत बोलने से अर्थ का अनर्थ बन जाता है। आइए अब हम साशा की गलतियों वाले अंग्रेजी शब्दों का अभ्यास करते हैं। S H E she, W A S H wash, S H E E P sheep, S H A R E share, S H E E T sheet, S U R E sure, S H O W show, S O W so, S H I N E shine, P U N I S H M E N T punishment, S H E L T E R shelter.